प्यारे बच्चों, आज के इस ऑनलाइन क्लास में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। इससे पूर्व में हमने जो क्लासें ली हैं, उनमें हम कार्ल मार्क्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि कार्ल मार्क्स की रचनाएं, कार्ल मार्क्स के सिद्धांत, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है फर्स्ट पेपर का। तो प्यारे बच्चों, बीए पार्ट थर्ड समाजशास्त्र अर्थात सोशियोलॉजी में यूनिट ए का जो फर्स्ट लेसन है, फर्स्ट पार्ट है, वो है कार्ल मार्क्स। क्या पढ़ा रहे हैं हम? कार्ल मार्क्स को हम पढ़ा रहे हैं। किसको पढ़ा रहे हैं? कार्ल मार्क्स को। इससे, इस यूनिट से और इस टॉपिक से यूनिवर्सिटी के एग्जाम में एक बड़ा प्रश्न जरूर जरूर आता है। यदि आप सभी जानते हैं कि पेपर फर्स्ट में तीन यूनिट, यूनिट ए, यूनिट बी और सी, आप सभी को मालूम है, तीनों का वेटेज समान है। 20 अंक का एक बड़ा प्रश्न, 20 अंक का एक बड़ा प्रश्न और 20 अंक का एक बड़ा प्रश्न तीनों यूनिटों से क्रमशः आता है, तीनों यूनिटों से क्रम से आता है। अब मैं जो बार बार जिस चीज को आपको दोहराना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड को इस तरीके से पढ़ें कि आपके जो बड़े प्रश्न हैं उन्हें आप आसानी से हल कर सकें। अब बात आ रही है यूनिट फर्स्ट में, मैंने आपको तीन लेसन बता रखे हैं, यानी कि तीन समाजशास्त्री हैं जिनके सिद्धांतों का, जिनके जीवन परिचय का, जिनकी रचनाओं का हम अध्ययन करेंगे। उनमें कार्ल मार्क्स, दूसरा मैंने बता रखा है इमानुएल दुर्खी, दूसरा क्या नाम बताया आप प्यारे बच्चों? इमानुएल दुर्खी। और तीसरा क्या नाम है? मैक्स वेबर। क्या नाम है? मैक्स वेबर। अब 20 नंबर का जो प्रश्न बड़ा आएगा वो कार्ल मार्क्स से हो सकता है, इमानुएल दुर्खी से हो सकता है, मैक्स वेबर से हो सकता है। अब हमें कार्ल मार्क्स की जो सिद्धांत है, इमानुएल दुर्खी ने कौन कौन से सिद्धांत दिए और मैक्स वेबर के कौन से सिद्धांत दिए, इनमें से यदि सामाजिक तथ्य या यांत्रिक सामग्री एकता या सामाजिक क्रिया का सिद्धांत या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद या वर्ग एवं वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, जो यूनिवर्सिटी के सत्र पिछले अगर इनमें से किसी में से भी बड़ा प्रश्न पूछा गया है, यदि इमानुएल दुर्खी से बड़ा प्रश्न पूछ लिया गया है, तो आप निश्चित मान लें कि इस सत्र में जो 2021 में एग्जाम होने वाले हैं उसमें कार्ल मार्क्स आएगा। यदि कार्ल मार्क्स से प्रश्न पूछ लिया गया है तो आप ये मान लें इमानुएल दुर्खी का जो सिद्धांत है उनमें से कोई प्रश्न आएगा या मैक्स वेबर में से आएगा। तो हमें याद रखना है कि इनके सिद्धांतों को बहुत अच्छे तरीके से हमें पढ़ना और समझना है। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था, अब मैं इसे पुनः कह देता हूं कि जो कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है या जो कार्ल मार्क्स वाला लेसन है, ये अन्य लेसनों की तुलना में अधिक उपयोगी माना गया है। क्योंकि कार्ल मार्क्स एक ऐसे समाजशास्त्री थे, जिन्होंने समाज उत्थान में विशेष योगदान दिया था, जिन्होंने समाज के ऐसे तबके के विकास में बहुत सक्रिय भूमिका निभाई थी, उस तबके को इन्होंने सर्वहारा वर्ग कहा था, यानी कि गरीब जिनका शोषण होता है, यानी शोषक और शोषित दो वर्ग इन्होंने बताए। तो जो शोषित वर्ग है उसके बारे में इन्होंने बहुत लिखा और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया। लेकिन हम इसमें से छोटे प्रश्न भी आते हैं और बड़े प्रश्न भी आते हैं। छोटा प्रश्न कैसे हो सकता है? द होल फैमिली, दास्य पिता,
इनके राइटर पूछे जा सकते हैं, इनके क्या पूछे जा सकते हैं, राइटर पूछे जा सकते हैं, इनके राइटर पूछे जा सकते हैं आपसे पूछ रही द जर्मन ऑडियोलॉजी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इसके अलावा अतिरिक्त मूल का सिद्धांत, इसके अलावा वर्ग और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, ऐतिहासिक भौतिकवाद, ये किसके सिद्धांत, या आपसे पूछ लिया जाए कार्ल मार्क्स की दो प्रमुख रचनाओं का नाम लिखो, तो बहुत अच्छी बात है। द होल फैमिली है, दास कैपिटल है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, द जर्मन आइडियोलॉजी है, द सिविल वॉर इन फ्रांस, ये भी इनकी एक प्रमुख रचना है। और दास कैपिटल ने तो इन्हें अत्यधिक क्या किया, अत्यधिक महान बनाया, एक बहुत बड़ा दार्शनिक बनाया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनकी जो रचनाएं हैं, रचनाएं आवश्यक रूप से आपको याद करनी है। इनसे रचनाओं से क्या बनेगा, छोटे प्रश्न बनते हैं, छोटे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। रचनाओं से क्या बनता है, छोटे प्रश्न, के लिए दो रचनाओं के नाम पूछ लिए या रचनाएं दे दी, उनके बाद उनसे उनका राइटर का नाम पूछ लिया, ठीक है। तो आपको कार्ल मार्क्स की जो दोनों रचनाएं हैं उनका नाम, आपको जितनी भी इसकी रचनाएं हैं ये सिद्धांत है, आपको आवश्यक रूप से याद करने। अब हम आगे चल रहे थे, हमने इसका जीवन परिचय पढ़ा, ठीक है, आपको याद होगा इनका जीवन परिचय पढ़ा। इसके बाद दूसरी चीज थी, हमने इनकी रचनाएं पढ़ी, क्या पढ़ी, रचनाएं पढ़ी, इनके सिद्धांत, इनके सिद्धांतों को हमने पढ़ा, ठीक है। इसके अलावा सिद्धांत की अवधारणाएं, क्या कह सकते हैं, अवधारणाएं, सिद्धांत के सिद्धांत अवधारणाएं भी है। तो अब क्या हो गया, एक दो तीन चीज, कार्ल मार्क्स में कितनी चीज हुई, तीन, दो हम पढ़ चुके हैं, जीवन परिचय और रचनाएं। अब बात आ रही थी सिद्धांत या अवधारणाएं, यहां पर दो चीजें आपके सिलेबस में आई है। नंबर एक कौन सी, द्वंद्वात्मक, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, क्या, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, और दूसरा है वर्ग एवं, वर्ग एवं वर्ग संघर्ष, वर्ग एवं वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कह सकते हैं, वर्ग एवं वर्ग संघर्ष का सिद्धांत या वर्ग संघर्ष की अवधारणा, ठीक है, हम इसको सिद्धांत नाम दे देते हैं। चलो ये लो सर, कार्ल मार्क्स ने इस पर अपना एक सिद्धांत दिया, अपनी एक अवधारणा दी, ये द्वंद्वात्मक। हाँ प्यारे बच्चों, तो हम चर्चा कर रहे थे कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत की। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत मैंने आपको बताया कि ये कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एक सिद्धांत है। इसने बहुत सारे सिद्धांत प्रतिपादित किए, जिनमें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, वर्ग एवं वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अलगाव का सिद्धांत और साथ ही साथ अतिरिक्त मूल का सिद्धांत, इसके अलावा ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत। तो अब हम बात कर रहे हैं, लेकिन आपके सिलेबस में ये दो ही सिद्धांत दिए गए हैं, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और वर्ग एवं वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। हम यहां अध्ययन कर रहे हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत, उसके लिए हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चाएं की थी कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो सिद्धांत है, यानी कि ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को इसने हीगल से ग्रहण किया। किससे ग्रहण किया, हीगल से, जो कि इनके जीवन के प्रारंभिक काल में जब ये अध्ययनरत थे तब हीगल के दर्शन का प्रभाव ये बर्लिन यूनिवर्सिटी के अध्ययन के दौरान पर देखने को मिला। उस समय चूंकि इनके पिता इन्हें लॉयर बनाना चाहते थे, लेकिन इनकी रुचि किसमें थी, इतिहास और दर्शन के अध्ययन में। जब ये इनका अध्ययन करने के लिए यूनिवर्सिटी में इन्होंने जब प्रवेश लिया, उस यूनिवर्सिटी में हीगल का प्रभाव अत्यधिक था और वहां पर ही इनका पहली बार हीगल के द्वंद्ववाद से सामना हुआ, यानी कि हीगल के द्वंद्ववाद के सिद्धांत से इनका सामना हुआ। सामना होने का तात्पर्य है कि वहां पर इन्होंने हीगल के द्वंद्ववाद के सिद्धांत को समझा, सुना, जाना, उसके बाद इन्होंने उस सिद्धांत में आमूलचूल परिवर्तन किए और इन्होंने अपना द्वंद्ववाद के लिए एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसका नाम था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है,
ये किससे प्रेरित है? हीगल के द्वंद्ववाद के सिद्धांत से। और हीगल ने जो द्वंद्ववाद की अवधारणा है वो किससे ली थी? फिक्टे से। किससे ली थी? फिक्टे से। किससे ली थी प्यारे बच्चों? फिक्टे से। तो बहुत सिंपल सी बात यहां निकल के आती है कि द्वंद्ववाद की क्या, द्वंद्ववाद की जो अवधारणा है वो कैसे चली, द्वंद्ववाद की जो अवधारणा है वो कैसे चली? सबसे पहले फिक्टे, सबसे पहले किसने दिया? फिक्टे। फिक्टे से किसके पास आया? हीगल। और हीगल के बाद किसने इसके बारे में कहा? कार्ल मार्क्स ने। किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने। तो बहुत सिंपल और आसान सिद्धांत है कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। इस सिद्धांत के जो सबसे पहले द्वंद्ववाद की अवधारणा वो फिक्टे ने, फिक्टे ने इसकी अवधारणा दी। उसके बाद उसमें परिवर्तन कर हीगल ने द्वंद्ववाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया और हीगल के द्वंद्ववाद से कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। अब बात आती है कि ये क्या है। मैंने आपको पूर्व में भी जानकारी दी थी कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद दो शब्दों से मिलकर बना है, और दो शब्द कौन कौन से हो गए? द्वंद्वात्मक और भौतिकवाद। तो द्वंद्वात्मक और भौतिकवाद कहने का मतलब है कार्ल मार्क्स का मानना था भौतिक वस्तु का या पदार्थ का, किसका? पदार्थ का। और उसको इसने आर्थिकी भी नाम दिया, आर्थिक भी नाम दिया, अर्थात पदार्थ का योगदान इसमें है, द्वंद्व में है। तो प्यारे बच्चों अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपको कि द्वंद्ववाद क्या है। बहुत सरल सी बात है कि द्वंद्ववाद, द्वंद्ववाद जो शब्द है, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है द्वंद्ववाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, वो सिद्धांत इसने हीगल से लिया, इसने हीगल से लिया। और हीगल के अनुसार जो द्वंद्ववाद है वो क्या है? डायलेक्टिक्स, अंग्रेजी शब्द उसका हिंदी रूपांतरण है, जो ग्रीक भाषा के डायलेक्टिक से बना है। जो ग्रीक भाषा के किस शब्द से बना है? डायलेक्टिक से। डायलेक्टिक से बना शब्द है द्वंद्वात्मक द्वंद्ववाद। और द्वंद्ववाद क्या कहलाता है, इसका हिंदी अर्थ क्या हो गया? द्वंद्ववाद का मतलब है वाद विवाद, तर्क वितर्क। क्या क्या नाम बताया मैंने? वाद विवाद, तर्क वितर्क, शास्त्रार्थ करना, अर्थात किसी बात पर अपने विचारों को तर्क सहित रखना द्वंद्ववाद कहलाता है। कोई भी बात, द्वंद्ववाद में क्या है कि कोई भी वाद वस्तु उसका विरोधी प्रतिवाद, और अंत में नवीन स्वरूप क्या कहलाता है? समवाद कहलाता है। यहां हीगल विचारों को किसको? विचारों को परिवर्तन का कारण मानते हैं। परिवर्तन का कारण या विकास का कारण किसको मानता है? विकास का कारण किसको मानता है? विचारों को। कौन मानता है? हीगल। और कार्ल मार्क्स ने यही बात हीगल के द्वंद्ववाद के लिए कही कि मैंने हीगल के द्वंद्ववाद को, जो कि सर के बल पर खड़ा था, उसे पैरों के बल पर खड़ा कर दिया। कार्ल मार्क्स ने कहा कि विचार तो केवल एक परिणाम है। उन्होंने अपने सिद्धांत के लिए भौतिक यानी पदार्थ पर बल दिया, और उन्होंने कहा कि किसी भी समाज में राष्ट्र में परिवर्तन या विकास के लिए पदार्थ, मिट्टी, रेत, पृथ्वी, यानी कि जिसका अस्तित्व है, वो अपने आप में महत्वपूर्ण और प्रभावी रहता है। महत्वपूर्ण और क्या रहता है? प्रभावी रहता है। यही कार्ल मार्क्स और हीगल के सिद्धांत का प्रमुख अंतर है, यानी कि ये पदार्थ या वस्तु को जो कि मूर्त है उसे परिवर्तन के लिए आवश्यक रूप से जिम्मेदार मानते हैं, जबकि हीगल किसे मानता है? जबकि हीगल किसे मानता है? विचारों को मानता है। हीगल के अनुसार किसी भी समाज या राष्ट्र में परिवर्तन या विकास के लिए क्या जिम्मेदार है? विचार। और इसके अनुसार पदार्थ जिम्मेदार है। इसके अनुसार क्या है? पदार्थ जिम्मेदार है। अर्थात द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार समाज में संघर्ष एवं द्वंद्व होता है। यह संघर्ष
वाद जो है वो प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया से गुजरता है। कोई वस्तु वह वाद है जिसका विरोधी तत्व क्या है, कोई वस्तु वाद है उसका विरोधी तत्व क्या है, प्रतिवाद है, और प्रतिवाद के बाद जो उसका नवीन स्वरूप आएगा वो क्या कहलाता है, संवाद कहलाता है। तो कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है वो वाद और प्रतिवाद और संवाद की स्थिति में आता है। मार्क्स विचार परिवर्तन का कारण, मार्क्स के अनुसार विचार परिवर्तन का कारण नहीं होता बल्कि ये तो क्या है, परिणाम है। तो आप प्यारे बच्चों समझ गए होंगे कि हीगल और मार्क्स के जो द्वंद्ववाद का जो सिद्धांत है उसमें क्या क्या अंतर है, और हीगल द्वंद्ववाद के लिए क्या कहता है, मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत क्या कहता है, ये दोनों आप इस तरह समझ गए होंगे। अब मैं थोड़ा सा इसमें आगे चलता हूं जो कि आपके इस टॉपिक में आएगा। अभी हमने देखा कि हीगल के द्वंद्ववाद का जो अवधारणा थी उससे ही कार्ल मार्क्स ने ऐतिहासिक द्वंद्ववाद, ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो सिद्धांत उसने प्रतिपादित किया, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया वो हीगल के द्वंद्ववाद से ही लिया गया था, लेकिन वो दोनों में ही अंतर था। हीगल के सिद्धांत के लिए उसने कहा था कि ये सिद्धांत सर के बल पर खड़ा है, मैंने इसे पैरों के बल पर खड़ा किया है, अर्थात इन दोनों के सिद्धांत में निर्णय का अंतर था। इसने अपने सिद्धांत का आधार किसे बनाया, विचारों को, जबकि इसने यानी कार्ल मार्क्स ने अपने सिद्धांत का जो आधार है वो किसे बनाया, पदार्थ को बनाया। ठीक, अब इसमें अगला टॉपिक आता है जो आपको याद करने वाली बात होती है और उन्हीं से संबंधित बड़ा या छोटा प्रश्न बनता है। इसमें अब आपको जो चीज है इसकी विशेषता, इसकी किसकी विशेषता याद करनी है आपको, कार्ल मार्क्स के सिद्धांत की, कौन से वाले की, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत की, कैरेक्टरिस्टिक्स है ना आपको याद करनी है। तो इसकी प्रमुख विशेषता है, मैं आपको जनरली बताता हूं। पहली विशेषता है इसकी पूर्ण समग्रता, पहली विशेषता क्या है इसकी, पूर्ण समग्रता। दूसरी है सतत गतिशीलता और परिवर्तनशीलता, तो पूर्ण गतिशील पूर्ण समग्रता, दूसरी है सतत गतिशीलता और परिवर्तनशीलता, और तीसरी है मात्रात्मक परिवर्तन से, तीसरी है मात्रात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन की, और या मात्रात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन तीसरा है। चौथा जो इसकी विशेषता है संघर्ष एवं द्वंद्ववाद, संघर्ष एवं द्वंद्ववाद, और इसकी एक अन्य प्रमुख विशेषता है भौतिक निर्णायकवाद, और इसकी एक अन्य प्रमुख विशेषता क्या है, भौतिक निर्णायकवाद। तो इसकी किसकी, कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की कुछ प्रमुख विशेषताएं पूर्ण समग्रता, मात्रात्मकता से गुणात्मक परिवर्तन, सतत गतिशीलता और परिवर्तनशीलता, संघर्ष एवं द्वंद्ववाद, और इसकी एक अन्य विशेषता है भौतिक निर्णायकवाद। ये विशेषताएं इस सिद्धांत को अति महत्वपूर्ण बनाती है, और इन विशेषताओं के आधार पर भी कार्ल मार्क्स का ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है अपनी एक विशिष्ट पहचान और विशिष्ट महत्व रखता है। अब इसके बाद देखो इस लेसन में जो आपसे पूछने वाली बातें हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत प्रश्न कैसे बनेगा, ये क्या है, एक चीज ऐसे करेगा कि कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करो। तो एक प्रश्न क्या बना, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करो, इसके अलावा समानताएं, क्या इसके अलावा समानताएं, ठीक है। अब एक छोटी सी बात है कि हीगल से ही इसने इस सिद्धांत को ग्रहण किया, अब हीगल और कार्ल मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है इन दोनों में क्या समानताएं हैं, क्या है, और वो बनता है आलोचना, आलोचना है ना, किसके, इसके सिद्धांत की, किसके सिद्धांत की, कार्ल मार्क्स के सिद्धांत की, कार्ल मार्क्स के कौन से सिद्धांत की, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत की। तो कुल जो ये सिद्धांत है
इस पर कुल कितने टॉपिक बने, इस पर कुल टॉपिक बने जो मैंने अभी आपको बताया। पहला टॉपिक क्या है, पहला टॉपिक बना द्वंद्ववाद, द्वंद्ववाद क्या है। दूसरा टॉपिक बना द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है। तीसरा टॉपिक बना द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है। तीसरा टॉपिक बना इसकी प्रमुख विशेषताएं, हम इसको यू लिख सकते हैं इसकी प्रमुख विशेषताएं। और चौथा टॉपिक बना हीगल और मार्क्स के सिद्धांत में समानताएं। और जो लास्ट बात मानी गई है या लास्ट प्रश्न जो पूछा जा सकता है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की सिद्धांत की आलोचना, यानी कि आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। तो ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के ऊपर कुछ प्रश्न बन सकते हैं, जिनमें मैंने आपको इस आज के लिए द्वंद्ववाद क्या है बहुत सिंपल साथ मैंने बताया कि द्वंद्ववाद क्या है। मैंने अभी आपको एक चीज बताई, द्वंद्ववाद अंग्रेजी शब्द डायलेक्टिक्स का हिंदी अर्थ है। द्वंद्ववाद क्या है, अंग्रेजी शब्द डायलेक्टिक्स का हिंदी अर्थ है, जो ग्रीक भाषा के इस शब्द से बना है, डायलेक्टिक ग्रीक भाषा के डायलेक्टिक शब्द से बना है, जिसका अर्थ शास्त्रार्थ करना है। शास्त्रार्थ करना, वाद विवाद करना या तर्क वितर्क करना, विकार तर्क वितर्क करना। तो द्वंद्ववाद को सामान्य अर्थ में कह सकते हैं शास्त्रार्थ करना या वाद विवाद करना, या द्वंद्व माने एक बात का विरोध करना। और सिंपल सी भाषा में हम समझाएं इसको, द्वंद्ववाद कोई बात उसका विरोध करना वो क्या कहलाता है, प्रतिवाद। और जब विरोध हुआ तो दोनों के बीच में जो नवीन उस बात का स्वरूप आता है विकार संवाद, यही द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है। इसमें उसने सिद्धांत का मूल जो कारक है।